राज्यसभा में बोली सरकार, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में आई गिरावट, 370 हटाए जाने के बाद बदले हालात। तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा की कार्यवाही, सभापति की नसीहतों को विपक्ष ने किया नजरअंदाज। रद्द हुए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर जैसलमेर में भव्य आयोजन, 5 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। किसानों के 150 ट्रैक्टर टूटे हैं, क्या प्रधानमंत्री उन्हें नहीं दे सकते, या कह दे आप कांग्रेस से मांग लो टिकट। 23 देशों तक फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO प्रमुख बोले और खतरनाक होगी स्थिति, भारत में सख्ती शुरू। अब रूसी AK-230 से चीन पाकिस्तान को भारतीय जवान देंगे करारा जवाब, पुतिन के साथ पीएम मोदी 7.5 लाख राइफल की करेंगे डील। कांग्रेस की तैयारी, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति तो जयपुर को बनाया ठिकाना, 12 दिसंबर को निकलेगी महंगाई हटाओ रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा महंगाई के आगे जुमलों की कीमत घट गई, कांग्रेस के लिए खतरे की घटी। NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, अब कोई UPA नहीं। शरद पवार से मिली ममता बनर्जी, कहा तैयारी कर रहे हैं BJP का अल्टरनेटिव। राहुल गांधी पर बोली, अक्सर विदेश रहने वालों का क्या भरोसा। ममता दीदी ने कहा UPA क्या है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, ये नया पागलपन शुरू कर दे, बंगाल का मतलब भारत नहीं।